आज हम प्रेजेंट इंडिफरेंटनेस को खत्म करेंगे। पहले मैंने आपको हाँ वाले वाक्य पढ़ाए, फिर ना वाले वाक्य पढ़ाए, आज मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगा डब्ल्यू फैमिली। इज इट क्लियर? मैंने पहला वाक्य दिया, पहले मैं सिंबल आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडिफरेंट का सिंबल हिंदी में क्या है, इस वाक्य के अंत में क्या लगता है, द और ब लगता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका सिंबल इन इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वैसा बोलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पढ़ा दिया था। नंबर सेकंड था फर्स्ट फॉर्म, बोलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसका नाम वाले वाक्यों मैंने आपको बताया था डू और डज, बोलिए डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस पढ़ाते हुए हम अपनी ग्रामर पढ़ाते हैं, खासकर स्कूल की अपनी ग्रामर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इतनी सिंपल ग्रामर कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। आज आप उसका एक नमूना देखिए, मैं पढ़ाते हुए कुछ आपको नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेंट क्या होते हैं, एडवर्बियल फॉर्म क्या होती है, जेरेंडियल फॉर्म क्या होती है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना उन टेक्निकल टर्म्स को जाने हुए हम अंग्रेजी लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तीन प्रकार की इंग्लिश हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, मैसा बोलिए रिटन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश। जोर की ब्रोकन इंग्लिश। अभी ब्रोकन इंग्लिश क्या होती है देखिए, आगे चल के पढ़ाएंगे। तो पहला वाक्य दिया मैंने, पहला वाक्य दिया, कोई सिंपल वाक्य दूंगा, मैं जाता हूं। जाने की अंग्रेजी मैंने आपको बताई थी, टू गो जाना, इसकी तीन फॉर्म्स क्या हमेशा बोली गो व्हेन गॉन, गो व्हेन गॉन, जो की दोबारा से स्टार्ट। आए जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उस हमने क्या बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी जहां तो और ह होगा, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, क्या है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है, और पहली फॉर्म वेरी गुड। तो आए गो, यहां तक सब क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है। नंबर टू, मैं नहीं जाता। ना वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। आए जहां भी कहीं ना का वाक्य आ जाए तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग। इज इट क्लियर? आई डू नॉट। नंबर थ्री, हाँ मैं नहीं जाता हूं। अब ये प्रश्न किस पर आए बताइए, क्या अब नियम क्या बताए। अब यहां आप एक नया नियम आपको बता रहे हैं, ये बंद कर दो लाल वाला बटन। नियम क्या बताया, हिंदी सबको आती है, आती है, तो सोच क्या रहे हो, हिंदी सबको आती है, मतलब सोच रहे हैं कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं। प्रश्न किससे बना, नियम यदि क्या बात स्कूल की अलग ग्रामर जो हमने बनाई उसकी बात हम थोड़ी सी एक हल्का सा नमूना चाह रहे हैं। जब आप एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा इंग्लिश ग्रामर कितनी सिंपल है। नियम ये है कि प्रश्न बना क्या, जिस शब्द प्रश्न बनता उसको हम छुपा देते हैं। और यहां प्रश्न क्या से बन रहा,
हमने क्या कुछ छुपा दिया, क्या बचा? थोड़ी दूर की क्या बचा? मैं नहीं जाता। अब ये नंबर टू और नंबर थ्री एक जैसा होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई डू नॉट गो। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, आप क्या करेंगे? अंदर का जो भी टेंस हम पढ़ रहे हैं, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर होगा डू आई नॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नंबर फोर है ना, बड़ा सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू को हम बाहर ले आएंगे, डू को यहाँ लिख के बाहर ले आए, डू आई नॉट। थोड़ी सी ट्रांसफर करनी है वर्ड की, बस कुछ भी नहीं करना, वाक्य हुई है। अब अगला वाक्य दिया मैंने, मैं क्यों नहीं जाता हूं? दुनिया के अंदर जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, कोई भी आप प्रश्न कीजिए, आपने कोई इंटरव्यू लेना हो, किसी का इंटरव्यू लेना हो, किसी से कोई भी प्रश्न करना हो, प्रश्न दो चीजों से बनता है, या क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के इन नौ शब्दों से जो मैंने यहां लिखे। नौ शब्द क्या है मेरे साथ बोलिए, वाई वेन वेयर, वट विच हुम हाउ। एक बार मैं स्टार्ट बोलूंगा, दोबारा से बोलिए स्टार्ट। वेरी गुड। दुनिया में इन नौ शब्दों के अलावा कोई दसवां शब्द नहीं है जिससे हम प्रश्न बना सके। लेकिन अगर खाली ये नौ शब्द होते तो आप लोग रट्टा मार लेते, ऐसा नहीं है। है तो ये नौ शब्द, लेकिन नौ शब्दों के साथ अगर हम छोटी छोटी प्रपोजिशंस लगाते हैं तो इसके अर्थ चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हुम शब्द को देता हूं, हुम के साथ मैंने टू लगा दिया, टू हुम लिखा, इसका अर्थ क्या हो गया? किस को? राइट। अब टू हुम के बाद मैंने हुम के साथ एक और प्रपोजिशन लगाई, फॉर, फॉर हुम, इसका अर्थ हो गया किसके लिए। क्या हुआ? किसके लिए। अब इसके साथ अगर हमने विद लगा दिया, विद हुम, तो इसका अर्थ हो गया किसके साथ। अब आप देखिए, शब्द डब्ल्यू फैमिली का है और प्रपोजिशन लगाने से के अर्थ अलग हो गए, चेंज हो गए। इज क्लियर? यस सर। तो दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, प्रश्न किससे बनेगा, या क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के नौ शब्दों से, इनको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, क्यों? क्योंकि सारे शब्द किससे शुरू हो रहे हैं? डब्ल्यू से, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, और एच से शुरू आए शब्द, इसलिए हम इसको डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इसमें टू हुम, फॉर हुम, विद हुम, ये दो शब्द मिला के एक डब्ल्यू फैमिली का वर्ड बना, तो इसमें डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कौन सा है? अब ये नहीं बोलेंगे हुम, क्या बोलेंगे? विद हुम। इसमें डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कौन सा है? फॉर हुम। इसमें डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कौन सा है? टू हुम। क्योंकि दो शब्द मिला के एक प्रश्नवाचक शब्द बना। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, मैं क्यों नहीं जाता, यहां प्रश्न किससे बना? किससे बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना, यही नियम बताया मैंने, उस शब्द को छुपा दीजिए। जो बनाई हुई ग्रामर है नहीं, उसके अंदर नियम छह के छह महीने के अंदर, और क्रैश कोर्स में तीन महीने के अंदर मैं कोई बदलाव नहीं करता, बस हम नियम बताते चले जाएंगे, उसमें एडिशन होता जाएगा। तो ये छुपा दिया मैं नहीं जाता हूं बचा, तो इसकी अंग्रेजी क्या हुई? बोलिए जोर की, बोलिए आई डू नॉट। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्यों से बनता है, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। तो हम क्या करेंगे,
नियम क्या बताया था मैंने, आप याद करो कि मिस्टर विजय भास्कर ने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, और क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर हो गया वाई टू वाई नॉट, हेल्पिंग वर्ब बाहर, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी आएगा, फिर उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, ये मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और कोर्स के अंत में पांचवे छठे महीने आपका इंग्लिश का अखबार तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको इंग्लिश का न्यूज पेपर पढ़ाएंगे। यह आप पर डिपेंड करता है आप कितना ग्रास्प करते हैं। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा स्पीच तैयार करनी है, आप घर जाकर काम नहीं करेंगे। कोई होमवर्क मैं नहीं देता, बस छोटा छोटा होमवर्क देता हूँ, भैया ये काम करना, ये काम करना। कुछ होमवर्क ऐसे दूंगा कि मैं आपको बोलूंगा आज जाके आपको अपने मम्मी पापा से ये बात करनी है, आज आपको अपने मम्मी पापा को ये बोलना है, अपने भाई बहन को ये बोलना है, या अपने पड़ोसी को जाकर ये बोलना है। तो अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाए। तो विल यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, बुलंद आवाज, विल यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ एक नियम बना, बड़ी सिंपल है इंग्लिश, क्या नियम बना, कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। जब भी कभी आप किसी से कोई प्रश्न करेंगे, प्रश्न वाले वाक्य में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड ये दोनों साथ साथ आएंगे। जहां ये अलग हो जाए समझो आपके प्रश्न में कोई गलती है। इज इट क्लियर? यस सर। उतार लीजिए, जब हम उतार ले तो बोल दिए सर आई हैव रिटन, ताकि मुझे पता लग गया सबने उतार लिया। थोड़ा स्पीड कर दीजिए, सब लोग उतार लीजिए। थैंक यू। सब लोग लिख लिया? Yes, sir. सविता लिख लिया? चलिए सुशीला जी उनको बुलवाइए चार बार, और जोर की एक ही आवाज में सब सुशील के पीछे बोलेंगे। नंबर एक, मैं जाता हूँ। आई गो। नंबर टू, मैं नहीं आता हूँ। आई डू नॉट गो। नंबर थ्री, क्या मैं नहीं जाता हूँ। Do I not go? Number 4. मैं क्यों नहीं आता हूँ? Why do I not go? Thank you. Come in. वह मुझे गाली देता है। अब गाली देने की अंग्रेजी होती है प्रोड्यूस, कल बताया था मैंने।
आवाज दे, अनुशासन से पढ़िए। Abused, ये आपको याद रखना है कि हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। वह मुझे गाली देता है, अभी वह न मैं न तुम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस लिखा है, एस या एस जैसी स्पेलिंग हो, तो ही अब्यूजेस मी। नंबर सिक्स, वह मुझे, उतारिए मत पहले समझ लीजिए, वह मुझे गाली नहीं देता है, वह मुझे गाली नहीं देता, ही डज नॉट अब्यूज मी। कल मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब डज आएगा तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर एस चाहिए नहीं आएगा, बताया तो ही डज नॉट अब्यूज मी। डोंट राइट सुशी, अंडरस्टैंड कीजिए। नंबर सेवन, क्या वह मुझे गाली नहीं देता है, क्या वह मुझे गाली नहीं देता है। अब प्रश्न किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, क्या है? आगे आगे बैठिए, आराम से पालसी मार के बैठिए, कोई बात नहीं, यह आश्रम है भास्कर स्कूल, क्या है ये आश्रम है जहां शिक्षा दी जाती है इन द रियल सेंस ऑफ वर्ड। पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ाया था, आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। प्रश्न किससे बन रहा है, जब से प्रश्न आया उसको छुपा दीजिए, क्या बचा, यर ये नंबर सिक्स नंबर सेवन एक जैसा हो गया, ही डज नॉट अब्यूज मी। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा आप क्या करेंगे, अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा Does he not abuse me? He का एक छोटा हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. Does he not abuse me? Number eight. वह मुझे गाली क्यों नहीं देता है? प्रश्न किससे बन रहा है, जब भी कभी प्रश्न क्यों से बनेगा हम क्या करेंगे, प्रश्न वाले शब्द को छुपा देंगे, क्या बचा, बोली जोर की, क्या बचा। अब नंबर सिक्स और नंबर एट एक जैसा हो गया, अंग्रेजी क्या बनी, ही डज नॉट अब्यूज मी। ग्रेट, समझ आ रहा है सबको, कि डज आएगा तो अब्यूज नहीं आएगा। अब मैंने हाथ लड़ा, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों से, तो प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई उससे भी पहले आएगा और वाई को उससे पहले लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा वाई डज ही नॉट अब्यूज मी। ही का एच छोटा लगा दीजिए। अब देखिए हमारा आंसर हुआ वाई डज ही नॉट अब्यूज मी, वही नियम जो पिछले वाक्य में मिला। यहाँ एक नियम बना ग्रामर का, क्या, कि प्रश्न वाले वाक्य में जब भी कभी प्रश्न डब्ल्यू फैमिली से बनेगा, प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे। जब मैं अलग हूं समझो आपके प्रश्न में कोई गलती है, डब्ल्यू फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब दोनों इकट्ठे आएंगे। इज इट क्लियर, क्या नियम बना, कि जब भी कभी प्रश्न डब्ल्यू फैमिली से बनेगा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे पहले, नियम ये बना डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ। अब मैं अगला वाक्य आपको दे रहा हूं, नंबर नाइन, वह मुझे गाली क्यों देता है,
मैं मुझे गाली क्यों देता है? प्रश्न किससे बना? क्यों से? हमने इसको छुपा दिया। अब क्या बचा? वह मुझे गाली देता है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहली फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अब प्रश्न क्यों से बना? अब हमने क्या किया था? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर हेल्पिंग लगा था, उसको बाहर लाए थे। अब इसमें हेल्पिंग है ही नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग कौन सा आता है प्रेजेंट डेफिनिट में? डज। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हमें यह मालूम है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य नहीं बनता प्रश्न वाला, और बिना हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू फैमिली के भी हेल्पिंग प्रश्न वाला वाक्य नहीं बनता। तो हमने ही के साथ क्या लगाया प्रेजेंट डेफिनिट में? हेल्पिंग वर्ब। दो डज में से एक चुनना है, कौन सा लेंगे? डज को मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ। जब डज मैंने यहाँ लगाया तो हम क्या करेंगे? ये वाला एस हटा देंगे। Is it clear? Yes, sir. और क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? Why? डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उसे रिपेयर लिख देंगे अपनी तरफ से, राइट? डज हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, वाई हम उससे भी पहले लगाएंगे। हमारा हो गया वाई डज ही नियम क्या बना कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ होता। क्या नियम एक और भी बना? क्या बना? कि अगर वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ड नहीं लगा हुआ तो आप उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से लगा देंगे प्रश्न वाले वाक्य में। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। नंबर 10 पहले ये उतार दीजिए। अभी लिखा नहीं सब लोगों ने? आप पूरा नाम लिखा है इसके अंदर या आपकी हैंडराइटिंग है? पूरा लिखना चाहिए। लिखो क्या आप? सब लोगों ने बोल रही है। वह मुझे गाली देता है। वह मुझे गाली देता है। He abuses me. He abuses me. वह मुझे गाली नहीं देता है। वह मुझे गाली नहीं देता है। He does not abuse me. He does not abuse me. क्या वह मुझे गाली नहीं देता? क्या वह मुझे गाली नहीं देता है? Does he not
एब्यूज मी वह मुझे गाली क्यों नहीं देता है व्हाई डज ही नॉट एब्यूज मी डज नहीं बिल्कुल ना डज बोली डज आप डज बोल रही हैं जहाज वाला नहीं जीरो वाला डज वह मुझे गाली क्यों देता है व्हाई डज ही अब्यूज मी लेट्स वेलकम अप किसी के लिए आपका स्वागत हो आप क्या बोलेंगे थैंक यू बोलिए थैंक यू अब मैं आपको दे रहा हूं सेंटेंस नंबर 10 मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसकी अंग्रेजी आती है सबको बनाइए क्या होगी आई लव यू हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है खुश कितने होते बोल के हैं जोर की बोलिए लव माने प्यार करता कितनी बार बोला जिंदगी में ये संदेश कितनों को बोला हाँ एक मेरा दोस्त था दोस्त नहीं था हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था मित्रता नहीं थी मेरी सिर्फ जानकारी थी तो मंडे को आशा के साथ ट्यूसडे को मीना के साथ और वेंसडे को सरिता के साथ तो मैं कहा भाई ये क्यों रोज बदलाव ये कैसा परिवर्तन है ये तो कह रहा क्या बताऊं यार मेरे को भगवान ने इतना प्यार दिया है मैं सब बांटा रहता लेकिन मैं उसे कह रहा था भी बांटना चाहिए देना सीखो हम लोग कंजूसी करते हैं प्रशंसा करने में भी पैसे खर्च करने में भी हर काम में कंजूसी करते हैं तो दिल खोलकर प्रशंसा करो दूसरे अगर किसी का कोई काम आपको अच्छा लगता है तो कहता भगवान ने मुझे प्यार दिया मैं प्यार बांटता हूं तो ऐसा चरित्र भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए तो मैं तुम्हें प्यार करता हूं आए अभी तो समझाने की जरूरत नहीं आए लव यू इज इट क्लियर टेंस कौन सा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 11 मैं तुम्हें प्यार नहीं करता अब समझ लीजिए मैंने जो बात कह रहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता अब चेहरे उतर के ना लगा किस नहीं कर रहा है जाएगा आई के साथ जहां भी आपने देखा टोर है और ना वाला वाक्य है वहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा डू आई के साथ डू है डू या डस ही के साथ डस आई डू नॉट लव यू नंबर 12 क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं प्रश्न किससे बन रहा है क्या से तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा लिया क्या बचा योर ये कैसा हो गया इंग्लिश क्या बनी आई डू नॉट लव यू अब मैंने हाथ हटाया आप देखिए मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं अब यहां से हाथ हटाया देखा क्या प्रश्न किससे बन रहा है तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा जो भी टेंस आप पढ़ रहे हैं तो क्या बना आंसर डू आई नॉट लव यू नंबर 3 मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करता हूं प्रश्न किससे बन रहा है छुपा लिया क्या बचा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं इंग्लिश क्या जोर की बोलिए एक ही आवाज में दोबारा से अब मैंने हाथ हटाया देखा प्रश्न किससे बन रहा है प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई डू आई नॉट लव यू अब नियम क्या बना कि प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का है ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड
और हेल्पिंग को दोनों साथ साथ. इज इट क्लियर? अब नंबर 14, मैं तुम्हें प्यार, ये हो गए क्यों हमारा हो गया. अब देखता हूं मैं तुम्हें प्यार क्यों करता. अब देखिए प्रश्न किससे बना, सुबह दीजिए क्या बचा. मैं तुम्हें प्यार रखता हूं. अब ये आपने नोट कर लिया सारा. तो इसको छुपाया क्या बचा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं. इंग्लिश क्या बनी, आई लव. अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा, क्यों से. अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई. प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रश्न वाला वाक्य नहीं बनेगा. तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, डू. डू को मैं दिख दिया, और क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, वाई को मैं उससे भी आगे ले आया, हमारा आंसर हो गया वाई टू वाई. नियम फिर निकला, क्या निकला नियम, कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ. अब निकला नंबर 15, मैं तुम्हें कितने बजे प्यार करता हूं. अब कितने बजे की अंग्रेजी क्या होती है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम. कितने बजे, छुपा दिया क्या बजे तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू. अब आप ये देखिए बिना हेल्पिंग वर्ब के तुम्हारा वाक्य नहीं, याद रखिएगा. अब कितने बजे, जब इस शब्द को हटाया, मैंने हाथ हटाया यहां से, तो देखा प्रश्न किससे बन रहा है, कितने बजे से. प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें नहीं लिया लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब. अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन को देख के उसके हिसाब से अपने आप लगा दीजिए. तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डू. कितने बजे इंग्रेजी क्या होगी, एट व्हाट टाइम, वो उससे भी पहले आएगा, हमारा आंसर हो गया एट व्हाट टाइम डू आई लव यू. आप देखिए ये डब्ल्यू हेल्पिंग का वर्ड मिला के एक बना, और ये हेल्पिंग दोनों साथ साथ आएंगे, हमारा आंसर हो गया एट व्हाट टाइम डू आई लव. इज इट क्लियर, बता दीजिए. ये नेम टैग बहुत सारी है, बात फिर आगे बात होगी.
योग माया गौतम आई बोल भाई बता दीजिए मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ आई डू नॉट लव यू क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ डू आई नॉट लव यू मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करता हूँ Why do I not love you? मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ Why do I love you? मैं तुम्हें इतने बजे प्यार करता हूँ At what time do I love you? Thank you. अभी लेसन नंबर कौन सा 204 जहाँ नया लेसन शुरू करोगे नया लेसन है पेपर वहाँ एलई डबल एस लेसन लिखना है और वही लेसन अगर अगले पेज पे जाता है लेसन लिखना लेसन का नंबर डाल देना अब देखिए योग माया गौतम वाकई माया भी पर्सन है ऐसे बोले थे जैसे चर्चिया बोलता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ है तो चर्ची को हम क्या बोलते हैं जो चरस खाता है तो आप बुरा नहीं मानेंगे इसका तो ये नहीं कि आप सचमुच चरस खाते जो काम होता है मैं उसको शब्द देता हूँ हम 15 दिन के बाद जन्मदिन स्टार्ट कर देंगे कल आपका प्रथम सप्ताह का आखिरी दिन है एक हफ्ता कल आपका पूरा हो जाएगा तो जब जन्मदिन करेंगे सब लोग बारी बारी इधर आएंगे स्पीकर बनेंगे इस चेयर पर बैठकर तो कन्वर्सेशन के टाइम जितने भी शब्द आएंगे जो कुछ भी क्लास में होगा मैं उस पर अंग्रेजी में शब्द दूंगा आपको देंगे जो लेसन चल रहा है ये 204 चल रहा है जब 204 खत्म हो जाएगा काम में तो 204 ए लिखिएगा उसके बाद पार्ट ए नहीं लेसन का नाम ही क्या 204 ए तो उसमें आप क्या लिखेंगे चर्चिया ओपीएम ईटर जो माया बुरा भी नहीं माना तो बुरा मान लेती मेरा क्या गाड़ी ओपीएम ईटर अफीम इज इट क्लियर ओपीएम ईटर का क्या है अफीम नहीं अफीम जी अफीम तो कहते हैं ओपियम को ओपियम ईटर अफीम जी 204 ए में लिखेंगे ओपियम ईटर अफीम जी लिख लिया अब लैंग्वेज का लेसन आज फिर रह गया तो लैंग्वेज मैं आप बता रहा था क्या बताया था मैंने कि हम लोग को ये पता ही नहीं कि हम कौन सी लैंग्वेज लर्न करें कौन सी लैंग्वेज लर्न ना करें पूरी हमने याद नहीं हमने वो शब्द याद कर दिए जो हमारी आंखों के साथ जब हम सोचते हैं तो वो शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जब आते हैं तो वो शब्द हमारे दिमाग में आने चाहिए जब हम नहाते हैं तो हम कौन से शब्द इस्तेमाल करें जब हम सो रहे हैं तो कौन से शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जब हम किसी सुंदर व्यक्ति से मिलते हैं तो कौन से शब्द हमारे दिमाग में आते हैं कौन से भाव उन भावों को हम भाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकें ऐसी लैंग्वेज हमने लर्न करनी है और ऐसी लैंग्वेज लर्न करनी है जो बोलते हुए हमें खुद मजा आए और सुनने वालों को भी लगे वाकई में इस स्कॉलर से पाला पड़ा है कोई विद्वान व्यक्ति हमारे सामने बोला है तो अगर आप इसी प्रकार से लगातार आते रहे मेहनत करते रहे और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे तो आप अंग्रेजी के अच्छे वक्ता बनेंगे अंग्रेजी के स्कॉलर बनेंगे इसी वादे के साथ आज की कक्षा की समाप्ति नमस्कार एक बुलंद आवाज मजा नहीं आया मुझे बैठ जल्दी बातचीत बात आवाज बंद आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए